हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज का एक नए वीडियो में, जिसमें हम लेके आए कि राउंड टू होता क्या है। एडमिशन प्रोसेस ACPC 2020 का, उसमें राउंड टू होता क्या है, उसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो सब आज के वीडियो में देखने वाले। सबसे पहले हम देखते हैं कि राउंड वन में क्या रहता है, कि जैसे आपने राउंड वन फिल कर दिया, उसमें चॉइस फिलिंग कर दी, उसका बाद उसका अनाउंसमेंट हुआ, उसके रिजल्ट में आपकी जो कोई भी कॉलेज में आपका एडमिशन मिल सकता था उसमें आपका एडमिशन मिल जाता है, और उसके बाद उसमें आपको टोकन फीस पे करनी होती है। ये तो सबको पता ही है, बट हम आगे चल के बात करते हैं कि राउंड टू होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है कि सबको सपोज आपको जो भी कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है उसके ऊपर की कॉलेज में एडमिशन लेना है। दूसरी बात कि आपको जो कॉलेज में एडमिशन मिल गया है उसमें आपको एडमिशन नहीं लेना है। और तीसरी बात कि आपको जो सीट अलोकेट ही नहीं हुई, उन सभी स्टूडेंट को राउंड टू में चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि चॉइस फिलिंग में मैंने क्या बताना चाहता हूँ। कि सपोज मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मुझे एडमिशन लेना है, और राउंड वन में मैंने ये सारी चॉइस फिलिंग की थी। सबसे पहले रैंक पे मैंने रखी थी निर्मा यूनिवर्सिटी, दूसरे नंबर पे मैंने रखी थी एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तीसरे नंबर पे मैंने रखी थी एलजे कॉलेज, और चौथे नंबर पे रखी थी मैंने पीडीपीयू। ये सारी कॉलेजेस मैंने राउंड वन के लिए चॉइस फिल की थी। अब जैसे ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, उसमें मुझे एडमिशन में आया कि एलजे कॉलेज ऑफ अहमदाबाद की एलजे कॉलेज, उसमें मुझे एडमिशन मिल गया है। राउंड टू में क्या रहता है कि जैसे मैंने सबसे पहले आपका केस दिखाया कि जैसे ही राउंड टू का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, इफ यू वांट टू टेक अ चांस दैट यू विल गेट एडमिशन इन एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देन यू कैन फील द सेकेंड राउंड ऑफ चॉइस फिलिंग। फिर से मैं यहाँ पे चलता हूँ कि जैसे ही मुझे एडमिशन में ये फाइनल हो चुका है एलजे कॉलेज, बट मुझे फिर भी चांस लेना है कि मुझे एलडी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, तो फिर आप राउंड टू के लिए चॉइस फिल कर सकते हो। क्योंकि जैसे कि पता ही कि अब आईआईटी और एनआईटी का भी एडमिशन के जो कोई भी रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाते हैं, तो काफ़ी सारे सीट्स जो कोई भी एलडी कॉलेज में से बंदा रहता है उसको एडमिशन मिल चुका है आईआईटी में, वो अपना नाम वापस ले लेगा, तो सीट कम हो जाएगी। उसमें आपका चांस रहता है कि आपको उसमें एडमिशन मिल सकता है। सबसे पहले केस ये है कि आपको नीचे में से कोई भी ऊपर की कॉलेज में जाना है, तो फिर आप राउंड टू सिलेक्ट कर सकते हो। अब दूसरा केस पे हम जाते हैं कि अगर आप इफ यू वांट टू सिलेक्ट अदर कॉलेज, देन यू कैन सिलेक्ट द अदर कॉलेज इन राउंड टू। जैसे ही मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊँ कि आपको एलजे कॉलेज में एडमिशन मिला है, बट आपको अब आपको कुछ भी डाउट हुआ या ऐसा लगा कि वो कॉलेज अच्छे नहीं है, आपको पीडीपीयू में एडमिशन लेना है, तो फिर आप राउंड टू के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, उसमें एडमिशन के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ये दूसरा केस है। और तीसरा केस है कि आपको सीटी अलोकेट नहीं हुई, तो फिर आप दूसरे राउंड में जा सकते हो चॉइस फिलिंग के लिए। अगर हम बात करें कि राउंड टू में आप जाएंगे तो राउंड वन में टोकन फी पे करें या ना करें, टोकन फी रहती है 20,000 रहती है, प्राइवेट कॉलेज के लिए 1,000 के आसपास रहती है, गवर्नमेंट के लिए और जो कोई भी लड़कियां होती है उसको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिला है, या TFWS वाले स्टूडेंट का टोकन फीस पे करनी नहीं रहती। बट सवाल ये है कि अगर आपको राउंड टू में जाना है एडमिशन के लिए, तो फिर आप ट्यूशन फी पे करें या ना करें, टोकन फी पे करें या ना करें। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जैसे ही आपका एडमिशन एलजे कॉलेज में हो गया, आप को लगता है कि मुझे अब इसमें एडमिशन लेना है, आपको दूसरी कोई चॉइस फिल नहीं करनी है, तो फिर सबसे पहले आप टोकन फीस पे कर दीजिएगा ताकि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए। दूसरी बात कि अगर आपको एलडी कॉलेज में जाना है चॉइस फिलिंग में राउंड टू के लिए, तो फिर आप पे कर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सपोज आपको राउंड टू में एडमिशन मिल गया एलडी कॉलेज में, सो वेल एंड गुड, आपकी कॉलेज अपग्रेड हो गई। बट यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि आपने जो कोई भी टोकन फी पे की होगी वो वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऊपर की कॉलेज में जाना है एलडी कॉलेज में, तो आपकी जो कोई भी फी होगी वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगी। यहाँ पे मैंने समझाया कि इफ यू पे टोकन फीस इन फर्स्ट राउंड यू विल गेट एडमिशन इन द सेकेंड राउंड, देन अमाउंट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि आपका जो कोई भी पैसा है आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। और तीसरी बात, अगर आपको राउंड टू में जाना ही और आपको एलजे में एडमिशन नहीं लेना है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिखाया उसके मुताबिक मैं बात करूँ कि आपको एडमिशन लेना ही नहीं है एलजे में, तो आप टोकन फी पे मत कीजिएगा क्योंकि उसमें कोई फिकर नहीं है। ये रहता है राउंड टू के लिए। एडमिशन रिलेटेड कुछ भी आपका डाउट हो या एडमिशन रिलेटेड प्रोसेस रिलेटेड कुछ भी आपका डाउट हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला ही है, आप वहाँ पे कमेंट करके डाल दीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन हिट दैट थम्स अप बटन, इफ यू हैव डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।